रघुनाथ जी का मंदिर सुई सिंबली, बहुत ही प्राचीन मंदिर है बताया जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जब वो राजा भी नहीं थे तो इस जगह पे एक महात्मा प्रेमदास जी को मिलने आया करते थे, तब यहाँ पे उस स्थली को देख करके वो बहुत ही प्रभावित हुए थे प्रेमदास जी से, महंत से, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप जरूर राजा बनोगे। और जो वह राजा बने तो उन्होंने कहा जाता है कि ये बहुत पुराना जो हम पेड़ देख रहे हैं जियो पोता, जिसको संस्कृत में कहा पुत्र जीवक, तो ये वाला पेड़ है। और इतना मोटा पेड़ जम्मू में नहीं है, इससे गजनसू के बगल में एक सेक्रेट ग्रोव है जिसमें जंगल में बहुत पुराने पेड़ हैं, लेकिन ये सबसे पुराना पेड़ और महाराजा गुलाब सिंह ने महंत जी के कहने पर इधर लगाया, चूँकि उनकी बात सच हुई थी, वो राजा बने थे। और अंदर जो है उन्होंने महंत जी के सम्मान में एक उनकी समाधि भी स्थापित की और ये रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। और आप देख सकते हैं ये जो जियो पोता ट्री है, अंग्रेजों ने इसका नाम दिया, जब हमने इसको पुत्र को जीवन बख्शने वाला दरख्त माना तो उन्होंने इसी को नाम दिया चाइल्ड लाइफ ट्री। और पुराने टाइम में बच्चों के गले में और हाथ में इसके फलों की माला पहनाई जाती थी ताकि बुरी नज़र ना लगे, और इसलिए उस के चलते इसका अंग्रेजी नाम एक और पड़ा लकी बीन ट्री या इंडियन एमुलेट ट्री, क्योंकि इसके एमुलेट पहने जाते थे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए। और इसके जो सीड है, बीज है, वो आयुर्वेद में बहुत ही चमत्कारी औषधि भी है, और इसलिए इससे जो फाइटोकेमिकल्स निकलते हैं उनके नाम भी पुत्र से हैं। जैसे अल्कोहल निकलता है तो पुत्रोल है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पुत्रोइक एसिड, अगर एल्डिहाइड है तो पुत्रल है। तो इस तरह सा जो विलक्षण पेड़ जो जम्मू की इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ के राजा महाराजा गुलाब सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, ये सुई सिंबली में बहुत ही पुराना पेड़ देख सकते हैं आप कि ये कोई 3 मीटर इसका जो है गर्थ होगा और उम्र भी इसकी इतनी है। और हरा भरा ये पेड़ जो है बहुत के लोगों के कई बार इसको पहचान भी नहीं सकते, खास करके शहर के बच्चे, और ये बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को किस तरह से हमारी धरोहर जो है मंदिरों के साथ, पीर बाबाओं के साथ जुड़ी हुई है और कैसे ही जैव विविधता का संरक्षण होता है। जम्मू के पास जहाँ जीडी का मेला लगता है उसके बगल में ही कानाचक में सुई गांव, और सुई गांव में एक ऐतिहासिक रघुनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे हमने देखा कि बाहर 200 साल से भी बड़ा जियो पोता का दरख्त, जो महाराजा गुलाब सिंह की तस्दीक करता है कि उन्होंने उसी के नीचे, हालांकि वो दूसरी जगह अखनूर में था, राय तिलक लिया था 17 जून 1822 को, तो उस ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर जी के अंदर जो मुराल पेंटिंग्स हैं उसको देख के भी हम हैरान रहते हैं, लेकिन उसका रख रखाव और अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है। उसमें सरू का दरख्त भी देखा, और उसी सुई रघुनाथ मंदिर के बगल में ही एक पीर बाबा है, जहाँ पे 300-400 साल पुराना एक ऐसा विशाल फाइकस है जिसको बोलते हैं वाइट फिग ट्री, और वाइट फिग ट्री को डोगरी में बोला जाता है प्लाखी, या हिंदी में पिलखन पाकड़ भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का उसका जो नाम है वो प्लक्ष है या प्लक्षी है, और उसी से डोगरी नाम बना प्लाखी। तो ये आप उसके पत्ते देख रहे हैं, हालांकि दूर से देखने से कोई इसको बरगद समझ बैठता भूल कर सकता है, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो ये बरगद नहीं है, बेशक ये भी 11 महीने तो ये हरा भरा रहता है, सिर्फ 15-20 दिन के लिए इसके पत्ते झड़ते हैं, जब नई कोंपलें आती हैं उसका जो अचार एक पुलाव बन सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसका एक फूड कुजीन डेवलप होती है। और ये जो प्लाखी का पेड़ है इसमें देखिए आप किस तरह से ये हमारे पीर बाबा जी का जो स्थान है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस पीर बाबा की स्थली के साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पे अपने जो मन्नतें मानी हैं रैग्स ऑफ फेथ, और ये रैग्स ऑफ फेथ जो हैं किस तरह से इस प्लाखी के दरख्त को फाइकस वायरेंस वाइट फिग ट्री, और ये एक बसेरा है परिंदों का, अभी आप देख पा रहे हैं पैराकीट्स, रोज रिंग्ड पैराकीट जो सुग्गा है या सुई गानी तोता, वो उनका भी बसेरा है। और इतनी पुरानी जो पिलखन है या प्लाखी है वाइट फिग ट्री फाइकस वायरेंस, उत्तर भारत में ये सबसे बड़ा उम्र का पेड़ माना जा सकता है, और ये लोगों की आस्था के कम्युनिटी कंजर्वेशन किस तरह से बड़े पेड़ों को संरक्षित रखती है। और ये बड़े पेड़ जो हैं बूढ़े पेड़ इतना बड़ा जिसका शरीर है
ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन स्टोर्ड है। जिस दिन कभी इस दरख्त को ये ना खड़ा रहा, कहीं तूफान में गिर गया जहाँ कहीं बूढ़ा हो गया, अगर इसको राट हो जाता है, इसका मतलब वो लॉक की हुई कार्बन सारी इस वातावरण में घुलेगी तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फिर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो जो मौसम का जो मिजाज बदलता है। तो ऐसे पेड़ों को बचाने का इससे बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है कि इस सुई के गांव में रघुनाथ मंदिर के पास जहां पुराना जियो पोता का पेड़ खड़ा है, वहीं बगल में पीर बाबा के स्थान पर ये इतनी अच्छी पिलखन पलाखी का जो पेड़ है और जिसकी उम्र 400 साल हो सकती है, ये पेड़ खड़ा है। ये हमारी आस्था है और ये सैक्रेड ग्रोव्स का महत्व है। चूंकि अब 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी 75 जगह जम्मू कश्मीर में उनको अंकित करना, उनके बारे में डॉक्यूमेंट करना और अपने आने वाली युवा पीढ़ी को बताना कि कौन सा पेड़ कहाँ पे सुरक्षित है, कम्युनिटी कंजर्वेशन और रिलीजियस इतिहास के चलते ये बताने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया।